नमस्कार, मैं अवधेश मिश्रा, आप सब देखते रहिए भोजपुरी बातें बातें। ये फिल्म है अनाथों के नाथ भोलेनाथ, और जिसका आज मुहूर्त किया गया है। आज के दिन से शुरुआत की जाएगी, पहले प्री प्रोडक्शन, फिर हम शूटिंग पे जाएंगे। तो शूटिंग हमारी थोड़ी सी अक्टूबर में करने की प्लानिंग है, और इस फिल्म को रिलीज हम करेंगे महाशिवरात्रि के पर्व पे। जैसा कि आज बहुत ही शुभ दिन है, शुभ मौका है, सावन का पहला सोमवार है, और हमारे फिल्म का टाइटल भी बड़ा यूनिक है, अनाथों के नाथ भोलेनाथ। भोलेनाथ में हमारी भी महिमा है, सबकी महिमा होती है। इसमें कुछ अलग दिखेगा आपको, एक बड़ा डिफरेंट। बहुत ही कमर्शियल फिल्में तो आ ही रही हैं लगातार, लेकिन मैंने इस फिल्म के माध्यम से ये प्रयास करना चाहा है कि हम एक थोड़ी सी हट के थोड़ा सा अलग जोन की, एक जो मैं छोटू छलिया जी के साथ लॉन्चिंग कर रहा हूँ ये अनाथों के नाम। मैं मुंबई से जब वापस गया तब तक वो राम एल्बम तब तक था, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन तीन रस्ते विष्णु जी, अरुण जी मुझे प्रेस करते आप मुंबई आइए, उन्हें शुरू किया जाए, कुछ हम कीजिए, आपको लोग खोज रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। मैंने फेसबुक पे या सब जगह लोग कहते आप क्यों नहीं करते हो, आप क्यों नहीं करते। इसी बीच मुझे लगा हुआ बाबा भोलेनाथ से, ऐसे तो मैं मानता हूँ उनको भी जाता हूँ, लेकिन मैं बार बार महीना में हमेशा एक बार देवघर जाता हूँ, लेकिन वहाँ जाने के बाद कुछ लगा नहीं, आप वापस जाओ और बनाओ बाबा के नाम पर। तो कहीं से न कहीं आस्था मुझे जगी, वहाँ से भगवान ने शक्ति दिए मैं यहाँ, लेकिन आप लोग का यहाँ इतना सहयोग मिला तो बड़ी अच्छा लग रहा है। सबसे बड़ी वजह ये है कि छोटू जी और हम एक ही शहर से हैं, और हम लोग तब से एक दूसरे को जानते हैं, जुड़े हुए हैं, जब वो फिल्मों में नहीं थे। तो एक तो हमारी ट्यूनिंग इनके साथ बहुत मजबूत रही है, दूसरे इनका शुरुआती सफ़र हमने बहुत नज़दीक से देखा है, इनकी गायकी का सफ़र, इन्होंने जब अपने अभिनय करियर की शुरुआत की तब से, और इन्होंने जो मेरे साथ, जो मेरी पहली डेब्यू फिल्म एज ए डेब्यू डायरेक्टर जो फिल्म थी गठबंधन प्यार के, उसमें एक बहुत ही यादगार कैरेक्टर इन्होंने प्ले किया था, जिसको लेके मुझे अभी भी बहुत जगह से बहुत तारीफें होती हैं, और बहुत लोगों की, मतलब लोगों का अप्रिशिएशन आता है कि ये कमाल की फिल्म है, कुछ ऐसी फिल्में बननी चाहिए। छोटू जी का काम आप देखेंगे उस फिल्म में तो वाकई बहुत कमाल का हुआ था। तो इनके अंदर प्रतिभा तो है ही, बहुत सारे लोग आ रहे हैं इंडस्ट्री में, क्योंकि ये तो ऑलरेडी आ चुके थे, इनके फिल्म को, इनके काम को लोगों ने काफ़ी सराहा है। तो मैं ये चाहता था कि वो एक सिलसिला जो बीच में टूट गया था, टूटे ना, वापस आप करें, जब आपकी इतनी अच्छी फैन फॉलोइंग है, इनके गाने जो आज भी जिन्होंने सुने हैं और नेशनल नहीं इंटरनेशनल लेवल पे सुपरहिट रहे हैं। जैसे अगर आपसे भी मैं कहूँ तो वो गाना शायद ही लोग भूल पाए होंगे, हाय रे होठ लाली हाय रे कजरा, अब वो बैंड का एक लैंडमार्क बना हुआ। मुझे लगता है कि वो गाना कभी भी बजता है तो लोगों को अच्छा लगता है अभी भी। एक तो फिल्म की कहानी जो होगी हमारी बिल्कुल नहीं होगी, और एक जो भोजपुरी सिनेमा में जो मिसिंग जा रहा है, कोशिश है कि सिनेमा से हम उसे जोड़ें, कल्चर अपनी जो हमारे मिट्टी की जो खुशबू है, भोजपुरी का जो एक वो एक जो संस्कृति है वो छूटे ना, इसमें हम एक
पारिवारिक भावनाएं जो लोगों से जो दूसरे को एक तार जो जुड़े होते हैं, बहुत कुछ इस देखने को मिलेगा इस फिल्म में आपको, तो एक भावनात्मक फिल्म कह सकते हैं। मैं बस ये कहना चाहूँगा कि बड़ी खुशी हो रही है मुझे कि मैं छोटू छलिया को लेकर फिर से हम एक फिल्म हम और पेड़ी भाई कर रहे हैं। खुशी शंकर पेड़ू भाई हमारे डायरेक्टर हैं, छोटू छलिया भाई हमारे छोटे भाई हैं। मैं सभी गायकों को प्यार करता हूँ और सबको पता है कि मैं सबसे ज़्यादा करीबी हमारे गायकों में कोई रहा है और है तो छोटू छलिया जी हैं। तो अचानक हम लोग का मन में हुआ छोटू छलिया भाई 7 साल के बाद कम बैक किया है, वो भी हमारे कहने पे, हमारे दबाव देने पे वो बोले कि ठीक है करता हूँ, नहीं तो फिल्म इंडस्ट्री से बोलते थे कि नहीं करना है, क्योंकि पहले भी वो 14-15 फिल्मों के हीरो रह चुके हैं। उसके बाद हम लोग का अपना साथ मिला शुरू से, स्टार्टिंग से आरा से ही मेलू भाई, छोटू छलिया भाई, मैं कौन सा वहीं से शुरू ही हुआ था। हम लोग आज से 8-10 साल पहले रखते हैं गठबंधन प्यार का हम लोगों ने किया था ही पूरी टीम को। फिर मौका मिला तो मैं बोला कि चलो भैया भाई के साथ ही करूँ, क्योंकि एक हमारा उनका रिलेशन सगे भाई तो नहीं है लेकिन फूल से बढ़ता साइलेंस। देखिए म्यूजिक की बात करना तक ये छोटू छलिया जी हीरो से पहले गायक हैं और गायक हैं, तो ये बात तो जाहिर है कि म्यूजिकल फिल्म हिट ही होना चाहिए सर, हमारी भरपूर कोशिश रहेगी इस फिल्म को म्यूजिकल हिट बनाया जाए। और बाकी हमारे पहलू भाई जी हैं विष्णु शंकर गांधी जी फिल्म बन रही है, भैया जी प्रोड्यूसर हैं सुरेंद्र सिंह, और ये नाथों के नाथ भोलेनाथ, हमने इसके पहले फिल्म किया है बद्रीनाथ इसका म्यूजिक मैंने किया है, और ये हमारी दूसरी फिल्म होगी बद्रीनाथ गोपीनाथ और ये महादेव नाथ है नाथों के नाथ, और हमारी भरपूर कोशिश रही कि इस फिल्म को। सबसे पहले कि हाँ सावन का पहला सोमवार है और सभी दर्शकों को ढेर सारा प्यार और नमस्कार और हर हर महादेव, और इस महादेव की इस जो प्रांगण में कुछ दिक्कत हो रही है क्या? नहीं, बहुत ही खूबसूरत नाम है और कहा जाए कि महादेव का समय चल रहा है, वक्त चल रहा है, उसी वक्त में एक खूबसूरत फिल्म का आज मुहूर्त हुआ है। मैं ढेर ढेर बधाई देता हूँ छोटू जी को और इसके प्रोड्यूसर अरुण जी को और इसके डायरेक्टर विष्णु शंकर बेलू जो कि मैं उनके साथ अभी लव मैरिज किया, तो बहुत सारी शुभकामनाएं इस महादेव के समय और इस सोमवार पे जो आज इस फिल्म का मुहूर्त है। फिल्म के जो एक्टर हैं छोटू छलिया काफ़ी समय बाद वापसी कर रहे हैं, छोटू जी बहुत अच्छे सिंगर हैं और सिंगर के अलावा वो बहुत अच्छे व्यक्ति भी हैं, और मैंने उनकी और भी फिल्में देखी हैं, अभी फिल्में उन्होंने शुरुआती दौर में की लेकिन बहुत अच्छा एक्टिंग भी है उनका और अच्छे हमारे मित्र हैं और आरा से हैं, तो मैं आरा के लोगों से बहुत प्यार करता हूं और आरा के लोग कलाकार होते ही हैं, तो बेशक बहुत अच्छी एक्टिंग करेंगे और बहुत अच्छे सिंगर हैं तो ये फिल्म भी बहुत अच्छी चलेगी। प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube app एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।